मुस्लिम देशों ने सलमान रश्दी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी किताब द सैटनिक वर्सेस को बैन कर दिया। किताब के विरोध की वजह से भारत में भी द सैटनिक वर्सेस की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जासूसी कांड में भी मुसीबत बढ़ गई क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोप में सिसोदिया समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आरोप है कि 2015 में विजिलेंस विभाग के तहत बनाई गई फीडबैक यूनिट ने आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी पार्टियों और उनके नेताओं की जासूसी करने का काम किया। इधर पंजाब के फतेहगढ़ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर मारे गए जबकि 1 घायल हो गया। बताया गया कि पुलिस को लंबे वक्त से इन तीनों गैंगस्टरों की तलाश थी और जैसे ही पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चला तो पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। बताया गया कि तीनों गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गैंगस्टर मारे गए। वहीं इस मुठभेड़ में 1 गैंगस्टर घायल हो गया जबकि 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। उधर निकी मर्डर मामले में दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिब गहलोत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहिब गहलोत की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उसे 12 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उसे इसी महीने की 14 तारीख को निकी यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इस बीच पाकिस्तान को चीन ने किस कदर चूना लगाया इसका एक और नमूना सामने आ गया। पता चला है कि चीन से पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन और मिसाइलें खरीदी उनमें ज्यादातर